बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन शवारमा, जिसके लिए सबसे पहले मैं बाउल में डालूंगी आधा किलो चिकन बारीक कटा हुआ। इसको मैंने बारीक कटवा लिया था बाजार से ही, तो अगर कोई जरा भड़ा लगा है तो उसको खुद से काट लिया। बारीक चिकन ले लें और इसमें आधा कप जो है वो आप दही डाल लें, आधा कप ये हमारा आधा कप दही जो है वो चिकन के अंदर चला गया है सारा। अब इसके अंदर डालूंगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला 1 टीस्पून, लीमू का रस डालूंगी इसके अंदर। मैं बड़ा वाला लीमू लिया है मैंने, तो अगर आप छोटे हो तो फिर आप दो लें, वरना एक ही लीमू बड़ा है। उसका रस निकाल के इसके अंदर डाल दें या 2 टेबलस्पून डाल। तंदूरी मसाला डाल दें 1/2 टीस्पून सिर्फ, क्योंकि ये बहुत तेज होता है, तो ये ज्यादा डालें तो फिर खाने वाला भी नहीं रहता। काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर चली गई हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इसको मिक्स करके अब मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसको रख दूंगी। 20 मिनट रख लें, प्लेट ढक के इसके ऊपर, बेशक लेमिनेट कर दें ऊपर से तो, बेशक प्लेट दे दें, तो इसको 20 मिनट के लिए मैं रख के फिर उसके बाद इसको बनाऊंगी। अब इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था मैंने, तो अब 20 मिनट के बाद इसको निकाला है, तो ऑयल जो है वो कढ़ाई में गर्म हो रहा है, तो अब इसको उसके अंदर डालते हैं और इसको पकाना शुरू करते हैं। इसको चम्मच हिलाते हैं इसके अंदर ऑयल के अच्छी तरह से। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ और उतनी देर में अपना दूसरा काम जो है उसको मुकम्मल कर लेते हैं, सैलेड वगैरह जो है वो तैयार कर लेते हैं।
ढक्कन बंद करके, तो आप 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतारा है, और ये जो बड़ी बोटियां हैं इनको मैं चम्मच के साथ ऐसे बारीक कर लूंगी, क्योंकि ये शॉर्मे से फिर बाहर निकलेंगी अगर ज़्यादा भड़ी गई तो। ये कोई कोई अंदर दरमियान में भड़ी रह गई है, बाकी गल चुका है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको चम्मच के साथ ना तोड़ लेती हूँ थोड़ा। तो अब ये बिल्कुल हर चीज़ दही पानी हर चीज़ इसका सॉफ्ट हो चुका है, तो ये भुन भी अच्छी तरह से रहा है। तो अब मैं अपनी ब्रेड जो है उसको भी गर्म करती हूँ आपके सामने, क्योंकि आज मैंने बाज़ार से ही मंगवा ली है ब्रेड, फिर आपको लहदा मैं इंशाल्लाह उसका तरीका मैं बताऊँगी। पहले मैंने बताया भी था बारबेक्यू सैंडविच में, लेकिन फिर भी मैं लहदा बता दूँगी, लेकिन आज मैंने जल्दी में बनाने थे तो फिर मैंने ब्रेड जो है वो बाज़ार से मंगवाया। तो इसके लिए अब ये मेरा मसाला जो है मसाला से शवारमे का बिल्कुल सही से चिकन तैयार हो चुका है। ये देखिए नीचे कढ़ाई के अब इसका बिल्कुल ऑयल भी इसमें कम ही रखना है हमने, तो ये बिल्कुल सही से पक चुका है। तो अब मैं अपने तवे के नीचे आग जलाती हूँ और दूसरी साइड पे जाती हूँ। अब मैंने तवे के नीचे आग जलाई हुई है, तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना वो ग्रीस कर देती हूँ तवे के ऊपर। तो अब इसके ऊपर मैं ब्रेड रखती हूँ। ब्रेड बाजार से मंगवा के भी इसको ना थोड़ा थोड़ा बेलने के साथ प्रेस कर लेना, क्योंकि फिर ये ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसी तरह मैं दूसरी भी साथ ही रख लेती हूँ इसके। अब एक एक मिनट इसको मैंने एक साइड से किया, तो एक एक मिनट ये अब दूसरी साइड से, अब मैंने साइड उल्टाई है, तो ये देखिए ये ब्राउन ब्राउन हो गई है। तो अब इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी जरा पका लूंगी इसको। तो अब इसको इस तरह करके जरा इसको दबाती जाऊंगी मैं। तो ये देखिए इस साइड से भी माशाल्लाह से कितनी प्यारी तैयार हो गई है। अब इसको मैं उतारती हूँ। ये देखिए ये हो चुकी है ब्राउन, ये हल्की वाली ब्राउन भी हो गई है, ये भी उतार लेते हैं। अब सारी बाकी भी मैं गर्म करती हूँ आपके सामने। तो उसी तरह मैं अब ये भी हो चुके हैं, तो अब इनको बनाते हैं, तो बना के फिर आपको दिखाते हैं।